एक मसीही को क्रॉस का सही अर्थ पता होना चाहिए। यह संदेश बिली ग्रहम के एक संदेश से प्रेरित है, द रियल मीनिंग ऑफ द क्रॉस, और मुझे लगा कि यह संदेश हर मसीही को सुनना चाहिए। आज अगर विश्व में कोई चिन्ह, ध्यान दीजिए, मैं यहां केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, आज अगर विश्व में कोई चिन्ह यानी एम्ब्लम सबसे अधिक प्रचलित है, सबसे अधिक प्रशंसित है और सबसे अधिक गौरवान्वित है, तो वो है क्रॉस। जी हां, क्रॉस आपको चर्चों में तो दिखाई देगा ही, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सी जगहों पर दिखाई देगा। जैसे लाल रंग का क्रॉस अस्पतालों के ऊपर, फिर एम्बुलेंस पर, फिर ब्लड डोनेशन कैंप्स में, फर्स्ट एड किट में, फिर हरा क्रॉस केमिस्ट की दुकानों पर इत्यादि। युद्ध के समय जिस बिल्डिंग के ऊपर भी लाल क्रॉस बना होता था, उस पर हवाई जहाज से बॉम्ब नहीं गिराया जाता था, क्योंकि पायलट को मालूम होता था कि वो एक अस्पताल है। तो ऐसी एक संधि थी देशों के बीच में, पहले विश्व युद्ध में भी और दूसरे विश्व युद्ध में भी। लेकिन क्रॉस क्यों? आखिर क्रॉस कोई अच्छा चिन्ह तो नहीं था? क्यों? क्योंकि क्रॉस का इस्तेमाल कौन करता था? रोमी साम्राज्य। किस लिए? अपराधियों को मृत्यु दंड देने के लिए, और बहुत ही दर्दनाक मौत होती थी क्रॉस पर। जो भी अपराधी होता था उसको पहले चाबुक से बहुत मारा जाता था, उसकी खाल उधेड़ दी जाती थी, फिर उसे मारा पीटा जाता था, उसके बाद जब उसे क्रॉस पर टांगा जाता था तो उसके हाथों और पैरों में कील ठोक दी जाती थी, कील के सहारे उसको क्रॉस पर लटकाया जाता था, मतलब उसका पूरा शरीर जो है वो नीचे की तरफ गिर रहा होता था, तो उसको सांस लेने के लिए भी अपने पैर जो उसके कील से गड़े हुए हैं उस पर उचक के उसको सांस लेना होता था। फिर उसके बाद भरी गर्मी में धूप उसको लगती रहती थी, प्यास लगती रहती थी, लहू बहता रहता था, तो कभी तो मृत्यु एक ही दिन में हो जाती थी या दो दिन में हो जाती थी, और कभी कभी एक हफ्ता भी लग जाता था। हाँ, किसी कारणवश अगर उनको उस अपराधी की मृत्यु जल्दी करवानी होती थी तो वो उसकी टांगों की हड्डी तोड़ देते थे ताकि वो उचक कर सांस ना ले पाए और जल्दी मर जाए। तो बहुत ही दर्दनाक, यातना देने वाली सजा होती थी ये मृत्यु दंड के लिए क्रॉस पर। तो उस आधार पर क्रॉस का चिन्ह तो मानव समाज के लिए अपमान का चिन्ह होना चाहिए था, फिर ये इतना सम्मानित चिन्ह कैसे बन गया? उसका कारण है, ये चिन्ह करुणा, दया, प्रेम और मानव कल्याण को दर्शाता है, जो क्रॉस पर यीशु मसीह के बलिदान से आया, जब आज से 2000 साल पहले स्वयं परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर आया और संपूर्ण मानव जाति के पापों का दंड भुगतने के लिए क्रॉस पर अपना बलिदान दिया। वो था यीशु मसीह, जो इस जगत का सृष्टिकर्ता है और सबका परमेश्वर है। क्या आपने कभी किसी और ईश्वर या भगवान के बारे में सुना है जिसने मनुष्य के लिए इतना दुख उठाया हो और इतनी दर्दनाक मौत ली हो अपने ऊपर? नहीं सुना होगा, सिर्फ यीशु मसीह। तो यह क्रॉस न केवल यीशु के बलिदान का चिन्ह है, बल्कि क्रॉस मानव जाति के उद्धार का भी चिन्ह है और आशा का चिन्ह भी है। अगर कोई मनुष्य घायल हो और उसे अपने आसपास ये क्रॉस का चिन्ह दिखाई दे जाता है तो उसके अंदर एक आशा आ जाती है कि भाई कहीं आसपास कोई हॉस्पिटल होगा या कोई एम्बुलेंस सेवा होगी या कोई केमिस्ट की दुकान होगी या कोई रक्तदान केंद्र होगा इत्यादि, और उसकी जान बच सकती है।